sahanubhunaktu sahaviryam karvavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai om shanti shanti shanti. Bodham pratibodham matam pratibodaviditam matam amratatvam hi vindate atmana vindate viryam vidyaya vindate amratam pratibodaviditam matam amratatvam hi vindate atmana vindate viryam vidyaya vindate amratam. Pratibodha viditam, bodham bodham, pratibodha viditam, bodham bodham, pratividitam. बोध शब्देन बौद्धाः, इसकी आवाज नहीं आ रही कुछ भी. बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्यय उच्यन्ते, सर्वे प्रत्यय विषयी भवन्ति. यस्य सह आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते, सर्व प्रत्यय दर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र प्रत्ययः एवं प्रत्ययेषु अविशिष्टः तया लक्ष्यते न अन्यद्वारं अंतरात्मा विज्ञानाय. अतः प्रत्यय प्रत्यक आत्मतया विदितम् ब्रह्म यदा तन्मतं तत्सम्यक् दर्शनम् इत्यर्थः सर्व प्रत्यय दर्शित्वे च उपजन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता नित्यत्वं विशुद्ध स्वरूपत्वं आत्मत्वं निर्विशेषता एकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्. लक्षण भेद अभावात् व्योमनी इव घट गिरि गुहादिषु विदित अविदिताभ्याम अन्यत् ब्रह्म इति आगम वाक्यार्थ एवं परिशुद्ध उपसंघरतो भवति. दृष्टेः दृष्टा श्रुतेः श्रोताः मन्तेः मन्ता विज्ञाते ही विज्ञाता इतिह श्रुत्यंतरम. ये आप इतना पढ़ चुके. यहाँ से आगे से अब न्याय दर्शन का खंडन होता है. यदा पुनः बोधक क्रिया कर्ता इति बोधक क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारम् विजानाति इति बोध लक्षणेन विदितम् प्रतिबोध विदितम् इति व्याख्यावते. यथा यो वृक्ष शाखा चालयति यह वायु इति तद्वत् तथा बोधक्रियाः शक्तिमानाः आत्मा द्रव्यम् न बोधस्वरूपम् एव. बोधस्तु जायते विनश्यति च यदा बोधो जायते तथा बोधक्रिया सविशेषः. यदा बोधो नश्यति तदा नष्टबोधो द्रव्यमात्रम् निर्विशेषः. तत्र एवं सति विक्रियात्मकः सावयवो अनित्यो अशुद्धो इत्यादि दोषाः न परिहर्तुं शक्यते. ये मत किसका हुआ? न्याय दर्शन का. यहां से जो मत है वो है वैशेषिक दर्शन.
यद्यपि कानादानाम आत्म मन संयोग जो बोध आत्मनि संवैति अतः आत्मनि बोधृत्वं न तु विक्रियात्मक आत्मा द्रव्य मात्र तु भवति घट इव राग समवायी अस्मिन् पक्षे अपि अचेतनं द्रव्यमात्रं ब्रह्म इति विज्ञानम् आनंदं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यादि श्रुतयोः बाधिता स्युः आत्मनः निरवयवत्वेन प्रदेश अभावात् नित्य संयुक्तत्वच्च मनसः स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति अपरिहार्या स्यात् संसर्ग धर्मित्वं च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धं कल्पितं स्यात् असंगो नहि सज्जते असक्तं सर्वभृच्च इतिह श्रुति स्मृतिः न्यायश्च गुणवत् गुणवत्ता संसृज्यते न अतुल्य जातीयम् अतः निर्गुणं निर्विशेषं सर्वविलक्षणं केनचित् अपि अतुल्य जातीयेन संसृज्यते इति एतत् न्याय विरुद्धं भवेत् तस्मात् नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योतिः आत्मा ब्रह्म इति अयम् अर्थः सर्वबोध बोधृत्वे आत्मनि सिद्ध्यति न अन्यथा तस्मात् प्रतिबोध विदितं मतम् इति यथा व्याख्याते एवम् अस्माभिः इति यथा व्याख्यात एव अर्थो अस्माभिः ये बौद्ध दर्शन हो जाएगा सो वेदांत का मत है जिसके जरिए से बोध होता है बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्यय उच्यते जिससे बोध उत्पन्न होता है उसको प्रत्यय कहते हैं उसको वृत्ति कहते हैं सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवन्ति एक क्रम मिलता है सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवन्ति लेकिन एक चीज है कि जो वृत्ति है वह सब की सब वृत्तियां विषय बन जाती हैं सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवन्ति यह वृत्ति जिसकी हैं वह वृत्तियां जिसकी हैं या जिसमें उठती हैं ये वृत्तियां वह कौन है तस्य यस्य स आत्मा वो आत्मा है मतलब इस वृत्ति का भी एक मालिक है यह वृत्ति जड़ स्वरूपा है इस वृत्ति को कोई प्रकाशित करता है जो इसका प्रकाशन करता है उसको आत्मा कहते हैं इसके बारे में श्रुति बहुत और इतना स्पष्ट वर्णन करती है यह जो वृत्ति है यह जो दृष्टा है यह किसी एक विशेष वृत्ति का प्रकाशन नहीं करता कि इसको ये वृत्ति अच्छी लग रही है तो इसको प्रकाशित कर दिया और इसको ये वृत्ति अच्छी नहीं लग रही है तो इसको प्रकाशित नहीं किया इसलिए उसने एक शब्द दे दिया सर्व प्रत्ययदर्शी मिल गया भाष्य में आपको शब्द सर्व प्रत्ययदर्शी तो इससे एक बात तो और मनन में स्पष्ट होती है कि यह सभी वृत्तियों का प्रकाशन करता है इसका मतलब इसको किसी भी वृत्ति से राग और द्वेष तो नहीं है सबका प्रकाशन तो वही कर सकता है जिसको किसी से न राग होवे न तो किसी से द्वेष होवे यह जो दृष्टा है यह सर्व प्रत्ययदर्शी है सभी वृत्तियों का प्रकाशन करता है मैं सावधानी से शब्द बोल रहा हूं क्योंकि आगे इसका खंडन होएगा भूल से भी यह मत कह दीजिएगा कि वह वृत्तियों का प्रकाशक है कभी कभी लच्छेदार भाषा बोलने के चक्कर में हम लोग क्या बोल जाएंगे कि वह वृत्तियों का क्या है प्रकाशक है वह प्रकाशक नहीं है है ना प्रकाशक कहने से यह जो दर्शन है यह बौद्ध दर्शन है मतलब जैसे ही आपने यह कह दिया कि वह प्रकाशक है
तो आप जिस दर्शन में स्लिप कर गए वह है बौद्ध दर्शन। बोले कैसे पता लग गया? जैसे ही आपने यह कह दिया कि यह प्रकाशक है तो यह प्रकाशन क्रिया का कर्ता बन गया, और प्रकाशन क्रिया का कर्ता बन गया इसका मतलब इसके सामने कोई प्रकाश नामक कोई चीज भी होगी जिसका ये क्या करता है, प्रकाशन करता है। ये गलत हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं वेदांत में, स्वयं प्रकाश। वो किसी का प्रकाशन करने का कर्तृत्व नहीं लेता। ऐसा कहें कि वह प्रकाशित करता है यह भी सच नहीं है, चीजें अपने आप स्वयं प्रकाशित हो जाती हैं, करता नहीं है। अभी आएगा तो बौद्ध दर्शन पढ़िएगा, जैसे कि यह दीपक किसी को प्रकाशित नहीं कर रहा है, जो भी इसके सामने आ जाएगा वो स्वयं ही क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। इस दीपक को किसी से कोई राग नहीं है, और किसी से इसी के नीचे जुआ खेल लो, जुआ खेलने को भी मना नहीं करेगा, इसी के नीचे सो जाओ तो सोने को भी नहीं मना करेगा, इसी दीपक से आग लगा लो घर को वो भी नहीं मना करेगा, और इसी दीपक से भगवान की पूजा कर लो वो भी नहीं मना करेगा। तो क्या कहेंगे, यह किसी को प्रकाशित नहीं कर रहा है, चीजें स्वयं इसके सामने क्या हो रही हैं, प्रकाशित। और एक बात तो और स्पष्ट हो गई कि यह किसी भी चीज से राग और द्वेष से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यह तो मैंने एक अलग धारा लगा दी, लेकिन ये बाद में खुद आएगा। तो यह सर्व प्रत्यय दर्शित्व, यह सभी वृत्तियों का दर्शी है, और यही नहीं सर्वदर्शी मतलब क्या हुआ, बोले उपजन अपाय वर्जितम। बोले यह वृद्धि और क्षय इस दृष्टा में न तो वृद्धि है न तो क्षय है। बोले प्रकाशित करते करते बेचारा थक गया, अब छोटा हो गया, अब बुढ़ा हो गया, प्रकाशित करते करते बुढ़ा हो गया। बोले ऐसा नहीं है, या तो ये साधना करके बड़ा तेजस्वी बन गया, तो ऐसा भी नहीं, ना तो वृद्धि है ना तो क्षय है। दृष्टा में वृद्धि और क्षय को ऐसा ले लें, ना तो उसमें प्राग अभाव है ना तो उसमें प्रध्वंस अभाव है, ना तो उसमें जन्म है ना तो उसमें मरण है, एक ही शब्द है सब, बन गया ना। उपजन अपाय वर्जितम कैसा है, बोले दृष्टा कहना भी क्या कहेंगे, धूर्तता होगी, दृष्टा कहना भी धूर्तता होगी, दृक स्वरूप है। देखो जी, दृष्टा कहने से भी दृष्टा क्रिया का कर्ता बन गया, अरे यह तो बोध स्वरूप है, इसलिए शब्द क्या दे दिया, वह दृक स्वरूप है। भाष्यकार ने क्या शब्द लिखा, उपजन अपाय वर्जित दृक स्वरूपता। बोले ऐसा कभी नहीं था कि दृष्टा नहीं था, यह कहना कि साक्षी एक समय में था तो साक्षी को आपने किसने बांध दिया, काल में बांध दिया, काल को भी प्रकाशित करने वाला जो न है वह साक्षी है। स्पष्ट हो एक लाइन स्वामी जी की, कि वह तीनों कालों में है यह कहना अच्छा नहीं है, वह तीनों कालों से अतीत है। काल बाह्यता शब्द प्रयोग किया था, त्रिकालातीत। जब प्रारंभिक वेदांत पढ़ता है व्यक्ति तो यही कहता है कि वो तीनों काल में है, अरे काल का भी जन्म देने वाला वो है तो वो काल में क्या होगा, काल उसमें है। घड़े में आकाश नहीं है,
आकाश में घड़ा है, बनता है ये ध्यान जाता है, ये सब चीजें जिसने रिवीजन किया होगा उसको स्पष्ट ज्यादा होगा। लहर में जल नहीं है, बना जल में लहर है, और बोल रहे हैं जगत में चैतन्य नहीं है, चैतन्य में जगत है, चैतन्य में जगत है। यह कहना कि जगत में चैतन्य है तो जगत बड़ा हो गया, उसमें चैतन्य गया हुआ है। इस दृष्टा में है कौन? आकाश। इस दृष्टा में यह जगत है। नित्यत्वम को कालातीत है, विशुद्ध स्वरूपम। अरे वह जब कोई चीज, दो चीज आपस में जुड़ती है तब वह क्या बनती है? हाँ, अशुद्ध बनती है। तो जब दो है ही नहीं तो अशुद्धि का कोई चक्कर ही नहीं है, तो चीज कैसी हो गई अपने आप? मतलब कहीं भी यदि दोष आता है, कहीं भी दोष, दोष क्या कहूं आपसे, विकार तो तभी आता है जब दो चीजें हों। स्वात्मनि क्रिया विरोधाच्च, स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं, और जब क्रिया ही नहीं होगी तो फिर विकार आएगा ही नहीं। तो ये कैसा हो गया? विशुद्ध स्वरूपम। अच्छा, इससे अंदर निजता की और कोई बात नहीं हो सकती। कोई सोचे कि दृष्टा नाम का कोई चीज है तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, यही है, अभी है, अभी ले लो। नित्यत्वम को बात क्या कहा? आत्मत्वम सबसे अंतरंग है, और यह कैसा है? निर्विशेष है इसमें, क्योंकि विशेषता ही भेद को जन्म देती है। ये हम लोगों को इसीलिए लगता है कि दृष्टा अनेक हैं, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो अंतःकरण पर रहता है, तो हमारा जो साक्षी है वो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है, अंतःकरण अभिमानी चैतन्य है। इसलिए हमारा दृष्टा अलग है और आपका दृष्टा अलग है। ये वही कहेगा जिसका ध्यान अंतःकरण पर होवे। और अंतःकरण पे ध्यान अलग क्यों गया? क्योंकि उसमें अंतःकरण में क्या दिखता है? भेद दिखता है। हम तो बहुत साफ शुद्ध वाले व्यक्ति हैं, आप तो अशुद्ध व्यक्ति हैं। भेद हो गया कि नहीं हो गया? फिर हमारा अंतःकरण अलग हो गया, आपका अंतःकरण अलग हो गया। तो अंतःकरण हो गया तो फिर दृष्टा भी कैसा हो गया? अलग हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोला? निर्विशेष। इतनी चीजें समझ। एक्चुअली में अंतःकरण कोई ठोस पदार्थ, एक ही चीज है सब में अंतःकरण। भगवान ने तो मटेरियल भी सबका एक ही बनाया, समष्टि सात्विक अंश से ही क्या बनाया। अब विकार हमने क्या कर लिए? लगता है कि हमको क्या आ गया है? हम में वास्तव में कोई विकार, विकार आया भी है तो किस में आया है? मन में आया है, मुझ में विकार ऐसी, ठीक है। तो वह विकार मुझ में नहीं है, वह विकार किस में है? वह विकार हमारे साथ तो यह है कि विकार आया अंतःकरण में, और मैंने विकार किसको मान लिया? मैं विकारी हो गया। हो जान दो, यहां तक कि यह भी सिद्ध हो जाएगा कि अंतःकरण नाम की कोई चीज, ये हमको जो लगता है कि अंतःकरण है, ये मेरा क्या है? अनुमान है। ये बात की स्थिति मांडू के उपनिषद में आएगा। हो गया ये डेली, इसके लिए तो ध्यान ही अभ्यास है, ध्यान ही अभ्यास है। तो इतनी बातें तो अब स्पष्ट हो गई। हाँ, नहीं, दो टाइप के जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो पंचीकृत से, अंतःकरण पंचीकृत से है,
और एक अपंचीकृत तत्व बोध देखिए है रखी है उसमें स्पष्ट ये सब बातें लिखी हैं। जब मन बनता है तो उसमें सभी प्रकार के गुण आ जाते हैं, तो उसमें क्या कर दिया गया, पंचीकरण कर दिया गया। और एक अवस्था कैसी है, अपंचीकृत की। हाँ क्यों नहीं होगा, सिर्फ सात्विक अंश है, सिर्फ सात्विक अंश। तो ये बात अब मैंने ये जो अभी तक निवेदन किया इतना ध्यान में देखना चाहिए, तब आपको ये जो पैराग्राफ था ये क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, जितनी बातें मैंने भी आपके सामने रखी। हो गया, तो यह हो गया पूरा वेदांत का पक्ष जो अभी तक निवेदन किया। अब दृष्टा शब्द से न्याय दर्शन को परहेज है। वह कहता है यह दृष्टा नहीं है, यह करता है। बोध क्रिया के कर्ता का नाम दृष्टा है। हो गया, बोध क्रिया के कर्ता का नाम दृष्टा है। तो आप महाराज इसको कर्ता मानो, और बहुत सुंदर सुंदर तर्क दिए हैं, और अगर जिसकी भगवान करे आ जाए आपकी समझ में, मेरा तो काम सुनाना पड़ा नहीं, आ जाए तो जन्म जन्म की जो गांठ है ध्यान में बड़ी इधर उधर होती है, यह सब की सब क्या, फिर अन्यत्र आठ उपनिषद बच्चों का खेल लगेगा, जिसको ये मत सब क्या हो गए समझ में आ गए, अन्य क्योंकि इसके अलावा कोई और मत नहीं है। मत मतलब न्याय दर्शन यही कहता है तो हर उपनिषद में यही बात कहेगा, और क्या कहेगा। बौद्ध दर्शन यही कहता है तो यही कहेगा। न्याय अलग है, वैशेषिक अलग है, बौद्ध अलग है, और सांख्य अलग है। तो अभी तक तो मैंने आपके सामने क्या बोल दिया, वेदांत का। वेदांत बीच बीच में बोलता रहेगा क्योंकि उसका खंडन किया जाएगा। तो अब बात किसकी आ गई, यदा पुनः बोधक क्रिया करता, मिल गया भाष्य, यदा पुनः बोधक क्रिया करता इति बोधक क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति। मैं बोध क्रिया के दृष्टा की बात नहीं कहता हूं, मैं बोध क्रिया की कर्ता की बात कहता हूं। जानना एक क्रिया है, और जानना वाला जो व्यक्ति है वो जानने की क्रिया कर रहा है, इसलिए वो करता है। बोध मतलब सिर्फ होता है जानना। ये किसका मत है, न्याय दर्शन। जो प्रमाण श्रुति है उसी के ऊपर मीमांसा हो रही है। प्रमाण श्रुति है प्रतिबोध विदितम, बस इतना श्रुति पर अभी व्याख्या कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार की व्याख्या में ये बात कही गई कि सारे प्रत्ययों का जो दृष्टा है, सारे प्रत्यय जिसके विषय बनते हैं उसी को आत्मा कहते हैं, और वह आत्मा अपने ही विषयभूत प्रत्ययों के द्वारा अपने ही दृश्यभूत वृत्तियों के द्वारा ध्यान देने पर जाना जाता है। तो सर्वबोधान प्रति बुध्यते, किस रूप में बुध्यते, सर्व प्रत्ययदर्शी
चित शक्ति स्वरूप मात्रा, इसी रूप में उसकी अपरोक्ष उपलब्धि होती है, इसी रूप में उसको विरक्त मुमुक्षु लोग जानते हैं। जानने का जो साधन है, जानने का जो सहारा है, वो है प्रत्यय ही। और उसको कहाँ जानते हैं, बोले प्रत्ययेषु। किस रूप में जानते हैं, बोले अविशिष्टतया। एक सामान्य वस्तु हर प्रत्यय में है, उसका नाम है चेतन। सारी वृत्तियां उसी में उठती हैं और वो वृत्तियों में व्याप्त रहता है। जैसे घट का निर्माण आकाश में होता है, तो उसमें आकाश पहले से ही व्याप्त रहता है। तो बाद में आकाश का प्रवेश नहीं होता, प्रत्येक घट आकाश सहित ही प्रकट होता है, अथवा प्रत्येक तरंग जल सहित ही प्रकट होती है। तो उसी तरह से ये जो वृत्तियां हैं, वो उनमें जो आकार होता है वो तो विषय का होता है, वृत्तियों में वास्तव में विषय होता नहीं। ऐसा कह सकते हैं विषय का आकार होता है। जो घटाकार वृत्ति बनी, वो घट तो बाहर ही रह गया, तो वृत्ति ने घट का आकार धारण कर लिया। अब जो वृत्तिस्थ, अब जो वृत्तिस्थ घट है, उस घट का उपादान कारण कौन है? जो भूमिष्ठ घट है, उसका उपादान कारण तो मिट्टी है, लेकिन जो वृत्ति में भासने वाला घट है, तो उसका उपादान कारण चेतन है। तो प्रत्ययेषु, समूचे प्रत्ययों में समस्त भासने वाले विषयों का उपादान बन करके वही परमात्मा उपस्थित है। वास्तव में वहाँ विषय तो आभास रूप हैं, वस्तु तो केवल और केवल चेतन ही है, और वह प्रत्येक वृत्ति में अविशिष्ट है, सामान्य है। किसी वृत्ति में चेतन है हरे रंग का, किसी वृत्ति में पीले रंग का, ऐसा नहीं है। अविशिष्टतया सारे ही प्रत्ययों में वृत्ति, सारे ही प्रत्ययों में चेतन सामान्य है। सो प्रत्यय ही प्रत्ययेषु लक्ष्यते, अविशिष्टतया लक्ष्यते, न अन्यद्वारम् आत्मनो विज्ञानाय। आत्मा के विज्ञान का और कोई द्वार नहीं है। भाष्यकार ने यह सिद्धांत पक्ष रखा।
तो इस व्याख्या में बोध बोध में विदित होने का अभिप्राय हुआ। बोध बोध में बोध का भी जो बोधा है, जो प्रत्ययों का दृष्टा है, वह जाना जाता है। और दृष्टा कैसा है वो बोलते हैं, वृद्धि और क्षय रूपी विकारों से मुक्त चेतन है, चेतन स्वरूप है, नित्य है और समस्त भूतों में एक है। ये एक एक जो शब्द हैं, छह लक्षण जो बताए हैं, वो सब हमारे सिद्धांत के शब्द हो गए। सिद्धांत पक्ष रखने के बाद अब जो दूसरे विचारक लोग हैं, जिन्होंने ज्ञान तत्व पर विचार किया, बोध तत्व पर ही विचार किया, और उनकी निष्पत्तियां भिन्न हैं, तो वो कैसा सोचते हैं, उनमें से कुछ मतों का यहाँ भगवान भाष्यकार उल्लेख करते हैं। उसमें पहला मत है न्याय दर्शन का। उन्होंने कहा कि प्रत्ययों का जो दृष्टा है वो आत्मा नहीं है, और प्रतिबोध विदितम का अर्थ दृष्टा को जानने की बात नहीं है। फिर क्या है, तो यदा पुनः, ये पहला पूर्व पक्ष है। यदा पुनः बोधक क्रिया करता, तो फिर जो ये बोध क्रिया का करता है, उसको आत्मा बोलते हैं। बस यदा पुनः बोधक क्रिया करता इति तत्कर्तारं विजानाति बोध लक्षणेन विदितम् प्रतिबोध विदितम् इति व्याख्यायते। प्रतिबोध विदितम् की इस प्रकार से व्याख्या की जाती है। कैसे की जाती है, यह जो बोध क्रिया है, बोध क्रिया लक्षणेन, यह जो बोध क्रिया है, प्रत्यय क्रिया रूप है, जानामि एक क्रिया है, और इस क्रिया का कोई कर्ता होना चाहिए, तो क्रिया बन गई लक्षण और कर्ता बन गया लक्ष्य। क्रिया बनी लिंग और कर्ता बना उस लिंग के द्वारा अनुमित पदार्थ। तो वो कहते हैं बोध क्रिया लक्षणेना, ज्ञान की क्रिया हमारे भीतर निरंतर हो रही है, ये तो लिंग हमको दृष्ट है, प्राप्त है, तो इस क्रिया पर ध्यान दे करके ये विचार होना चाहिए कि इसका कर्ता कौन है। अगर तो क्रिया हो रही है तो इसका कर्ता कोई होना चाहिए। तो बोधक क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति। अब भाष्यकार ने इसी बात को कैसे कहा था, भाष्यकार का कहना था कि बोध विषय बन रहे हैं, क्रिया शब्द नहीं कहा, क्या बोले, विषय बन रहे हैं, जिसके उसका नाम है आत्मा। इन्होंने कहा विषय तो छोड़ दिया, दृश्यत्व की ओर ध्यान नहीं रखा। इनका निर्णय क्या है कि क्रिया देखो आप, क्रिया हो रही है,
बोध की क्रिया हो रही है, इस क्रिया के लक्षण को पकड़ करके तत्कर्तारम विजानाति, दृष्टारम न विजानाति, किम कर्तारम विजानाति। कैसे बोध लक्षणे न विदितम, तो कर्ता कैसे पता चला, बोले बोध लक्षण से विदितम भवति। तो यही अर्थ है प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध, प्रतिबोध माने बोधम, बोधम प्रति लक्षणेन विदितम, किम विदितम, कर्तारम विदितम। ये आपका वेदांत क्या बोल रहा था, दृष्टारम विदितम। उन्होंने कहा ना 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 ना, दृष्टारम की बात मत करो, कर्तारम विदितम, प्रतिबोध लक्षणेन प्रतिबोध विदितम इति व्या। बोध क्रिया है कि बोध दृश्य है, जो इसकी कुंजी है वो यही है। वेदांत ने बोध को दृश्य माना, क्योंकि इसलिए क्या बोला, सर्वे प्रत्याह विषयी भवंती, जो सर्वी प्रत्यय हैं वो क्या हैं, विषय हैं। फिर उनका क्या है, उस प्रत्यय विषय हैं तो उनको देखने वाला कोई, तो वो जो देखने वाला है वो क्या हो गया, वो दृष्टा हो गया। न्याय दर्शन क्या कहता है, बोध एक क्रिया है, तो वह बोध को वृत्ति को दृश्य नहीं कह रहा है, वो बोध को क्या कह रहा है, बोध मतलब क्या हुआ, जानना, तो जानने शब्द से वह क्रिया शब्द ले रहा है। पकड़ में आ रहा है, कहीं कहां से कर्ता पहुंच गई, तो जब क्रिया हो रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई, तो आपका जो लक्ष्य है वेदांत का, वह दृष्टा को जानना है। तो न्याय दर्शन का लक्ष्य क्या हो गया, कर्ता को जानना है ना। ये की पकड़ के रखना, कहां अंतर किया इसने, बोध दृश्य है तो दृष्टा है, बोध क्रिया है तो कर्ता है, क्रिया माना तो फिर न्याय दर्शन में चले गए। इसलिए अब जीवन का लक्ष्य ही क्या हो गया, उस कर्ता को जानना हो गया। स्पष्ट होता है इतना, ख्याते इस पद की ऐसी व्याख्या की जाती है। दृष्टांत क्या है इस विषय में, बोले यथा यो वृक्ष शाखास चालयति। अब देखो कोई है और उसको तो वृक्ष की शाखा हिलती हुई दिखती है, तो क्रिया का दर्शन हो रहा है, और वायु दृश्य नहीं है, मैंने नेत्र भाष्य नहीं है, रूपवान नहीं है, तो अब कोई दिखता नहीं है जो डाल हिला रहा हो, तब भी हमें वायु तत्व का ज्ञान होता है, नहीं दिखाई देने पर भी वायु के होने का ज्ञान होता है। कैसे होता है, बोले भाई वायु है, तो पूर्व पक्षी ने पूछा वायु है इस विषय में प्रमाण क्या है, दिखती तो है नहीं, सुनाई तो देती नहीं, स्वाद तो उसमें कुछ आता नहीं, वायु क्या है, आप कहते हो वायु अस्ति, तो कथम अस्ति, किस प्रकार से आप कहते हो कि वायु है। तो अब उपदेश इस तरह से करेंगे, फिर यो वृक्ष शाखा चालयति स वायु, कि तुमको भले न दिखाई देता हो, भले ही उसका तुमको स्वाद ना आता हो, अन्य इंद्रियों से ग्रहण नहीं होने पर भी क्रिया जो है वो लक्षण बनती है,
वायु का बोध कराने के लिए। क्रिया कहाँ हो रही है? बोले वृक्ष में। क्रिया तो वायु में नहीं दिख रही है, क्रिया हो रही है वृक्ष में, वृक्ष की शाखा हिल रही है। हिल रही है तो कोई न कोई उसको हिला रहा है। तो वृक्ष शाखा यो वृक्ष शाखा चालयति स वायु इति तद्वत। तद्वत का मतलब हुआ अब यहाँ भी बोध वृत्ति चल रही है। दृष्टांत देखना, बोध वृत्ति चल रही है तो यो चालयति, जो इन बोध वृत्तियों को चला रहा है। तत्कर्तारं विजानाति, तो उनका जो कर्ता है उसका नाम है आत्मा। तो क्रिया हो रही है, आप बार बार विषय की बात क्यों करते हो, बार बार दृष्टा की बात क्यों करते हो? वहां तो सीधे सीधे ज्ञान की एक क्रिया हो रही है। जानामि जानामि जानामि, ऐसे क्रिया हो रही है। अहम जानामि सह जानाति त्वम जानासि, और सारे अंतःकरणों में जानने की क्रिया हो रही है, निरंतर हो रही है। उस क्रिया का जो करता है वो उसी क्रिया से जाना जाता है। बोध लक्षणेन विदितम, बोध के लक्षण से विदित हो जाता है। तो भाष्यकार कहते हैं तदा, अगर आप ऐसा मानोगे, अब देखो उत्तर है ये सिद्धांत पक्ष का, तो कहीं शायद अपनी सुविधा के लिए संकेत कर लें, सिद्धांत पक्ष अभी मतलब वेदांत पूर्व पक्ष था, अब सिद्धांत पक्ष है। भाष्यकार क्या बोलते हैं, तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा। वेदांत मत क्या था, चित शक्ति स्वरूप मात्र, बस ये तुलनात्मक ध्यान रखना। यहां थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, क्या बोलते हैं, तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा। तो अगर आप ऐसा कहोगे तो ये मानना पड़ेगा कि आत्मा बोध क्रिया का शक्ति वाला है, शक्तिमान आत्मा होगा, और वो शक्ति क्या है, बोध क्रिया, बोध क्रिया की शक्ति से संपन्न है आत्मा। जैसे गमन क्रिया, मैं चल सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं गमन क्रिया की शक्ति से संपन्न हूँ। तो मैं क्या बोलूँ, मेरे को क्या कहा जाएगा, गमन शक्तिमान। ऐसे मैं बोलने की क्रिया के शक्ति से संपन्न हूँ, तब कहा जाएगा वाक शक्ति अथवा वदन शक्ति मान। तो मेरी स्थिति फिर ये बनेगी, जैसे कोई व्यक्ति गमन शक्तिमान है, वदन शक्तिमान है, ग्रहण शक्तिमान है, वैसे ही वह बोध क्रिया शक्तिमान है। ओ, शक्ति से संपन्न है, आज वो जानने की क्रिया कर सकता है। आत्मा एक ऐसी चीज हो गई जिसमें कि ये क्रिया शक्ति विद्यमान है। तो ये तो क्रिया शक्ति हो गई, तो आत्मा स्वयं क्या है, बोले द्रव्यम। तो द्रव्य हुआ, द्रव्य माने क्या, शक्ति का आश्रय तत्व, गुणाश्रयत्व द्रव्यत्व। द्रव्य का लक्षण यह है कि गुण का जो आश्रय बनता है उसको द्रव्य बोलते हैं। पहले आपको
गुड़ के आश्रय को, है ना भाई, सफेद घोड़ा, तो सफेद घोड़ा या तेज घोड़ा ये एक गुण है। इस गुण का आश्रय कौन बना? घोड़ा। मेधावी विद्यार्थी, मेधावी क्या हुआ? गुण हुआ। आश्रय कौन बना? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या हुआ? द्रव्य। तो ये बात पहले गीता में जब 13वां अध्याय पढ़ा रहे थे तो उसमें ये बात बहुत अच्छे से चर्चा में आई है कि जो गुणों का आश्रय बनता है उसको द्रव्य कहे। ये द्रव्य आप अपने मन से मत बोल देना कुछ भी, कि पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं, वस्तु को द्रव्य बोलते हैं। तो फिर वो विद्यार्थी प्रश्न करेगा वस्तु क्या होती है? गुणों के आश्रय को द्रव्य कहते हैं। गुणाश्रय द्रव्यत्वम, गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। तो वह जो आत्मा है वह द्रव्य हो गई। तो बोले भाई यदि द्रव्य हो गया तो इसमें कौन से गुण हैं? तो बोध क्रिया का जो गुण है ये इसमें है। देखो अंतर बनना है, दूसरा दर्शन बन गया ये है। आपने आत्मा को क्या माना था अभी? इसने आत्मा को क्या मान लिया? द्रव्य। आत्मा को क्या मान लिया? द्रव्य। क्यों माना द्रव्य? बोले ये गुण की क्रिया का आश्रय बनता है। कौन सी गुण की क्रिया का आश्रय बनता है? बोध की क्रिया के गुण का आश्रय बनता है। इसका मतलब आत्मा स्वयं तो जड़ है और इसमें बोध क्रिया नामक चीज है। एक एक शब्द से कहां दर्शन जा रहा है देखो। अभी तक उसने कर्ता सिद्ध किया, अब क्या बोलता है? तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा। आत्मा कौन है? बोले शक्तिमान। कौन सी शक्ति है इसमें? बोले बोधक क्रिया। बोध क्रिया की शक्ति से उपहित कोष बोध क्रिया शक्तिमान कहते हैं। समझे? इसको सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया इसके पहले भी अभी कि वो कर्ता मान रहे हैं और ये दृष्टा मान रहे हैं। किस बात का कर्ता? बोध क्रिया का। अब तो बोध क्रिया तो गुण हो गया ना, तो द्रव्य कौन हुआ? ये भाई सफेद, तो सफेद कहां रहता है? बोले घोड़े में रहता है, बहुत तेज चलता है। अरे तेज कौन चलता है? बोले ये बालक तेज चलता है। तो आपने बोला बोध क्रिया, तो विद्यार्थी पूछेगा बोध क्रिया किसमें? तो आप क्या बताएंगे बोध क्रिया? तो बोध क्रिया जिसमें है, बोध क्रिया जिसमें है वो आत्मा है। ये न्याय दर्शन की परिभाषा हो गई। तो उसी को बोलेंगे, इसीलिए न्याय दर्शन में 9 द्रव्य माने गए। कहां गए ये पवार जी उस दिन झगड़ रहे थे? आत्मा चेतनता नहीं है। आप थे कौन थे? 2-3 लोग बैठे थे ना उस दिन रात में, 10-11 बजे बात चर्चा हुई। आत्मा तो जड़ है, उस जड़ में एक गुण है। क्या गुण है? बोध क्रिया। उन्होंने 9 चीजों को माना है जो द्रव्य हैं, और उसमें से आत्मा भी एक द्रव्य है। 5 महाभूत, दिक् तत्व, काल तत्व, मन तत्व और आत्मा, 9 हैं। ये 9 एक ही जैसे हैं, तो आत्मा भी उनके लिए एक क्या है? जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ऐसे ही आत्मा भी उनके लिए क्या है? द्रव्य है। क्यों द्रव्य है? बोले इसमें एक गुण रहता है। बोले कौन सा गुण रहता है? बोले जानने का एक गुण रहता है। वाह, है ना? तो इसको इस दृष्टि से देखिएगा। बोध जो आत्मा द्रव्य है, और चेतन क्या बन गया उनका? कर्ता। आत्मा में चेतनता है, आत्मा चेतन नहीं है। आत्मा तो द्रव्य है,
आत्मा में चेतनता आगंतुक है, नैमित्तिक है, और भी बात कहेगा। कहां से आई चेतनता? बोलता आगंतुक है, मैं सिखाता हूं आपको आगंतुक कैसे। बोले अभी दिखाएगा आपको धीरे धीरे, वो विद्यार्थी न्याय दर्शन का। गुण उसको कहते हैं जो आश्रय खोजती है, नित्य पराधीन जो है उसको गुण बोलते हैं। अब देखो इस लक्षण को ले करके इसको भी जानना चाहिए, आगे दृष्टांत भी आएगा। खैर तो अभी मैं बोल देता हूँ, जैसे घट को भी द्रव्य बोलते हैं, क्यों? क्योंकि घट में जो लालिमा है वो गुण है। वो गुण कहाँ रहता है? घट में रहता है। तो वो जो मैटर जिसको आप लोग बोलते हो, ठोस मैटर जिसके ऊपर गुण आश्रय करके उपलब्ध होते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्य। तो इस शरीर को भी द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य माने केवल फिर नौ नित्य द्रव्य ही नहीं, वो तो नित्य द्रव्य हैं और ये अनित्य द्रव्य है, लेकिन द्रव्य है। क्यों द्रव्य है? क्योंकि यह गुणों का आश्रय बन रहा है। अब देखो आपके गौर वर्ण का अथवा आकार का रूप का आश्रय क्या है? शरीर है। तो ये द्रव्य शब्द का अर्थ जानना चाहिए। तो बोलते हैं कि फिर अगर तो बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा है तो वह शक्ति तो हो गई आश्रित वस्तु, वो शक्ति तो हो गई आश्रित वस्तु, और वो जिस आश्रय में रह रहा है उसका नाम पड़ा आत्मा, तो वो द्रव्य हुआ। तो बोले हाँ ठीक है, आप जिस निर्णय पर पहुंचे हैं वो तो मैं बोलता हूं, सही है वो। सो तदा बोधक क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम न बोध स्वरूप एव। तो बोध आत्मा का स्वरूप नहीं रहा? बोले नहीं रहा। वो ठीक है, ये वो तो मैं कह रहा हूं। पूर्व पक्षी को कोई इसमें संकोच नहीं है, पूर्व पक्षी को तो यही कहना है कि आत्मा द्रव्य है। किसका आश्रय है? बोध क्रिया का आश्रय है। बोध क्रिया का कर्ता है। और इसी रीति से अब देखो शिफ्टिंग कैसे होता है, इसको विचार में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा निर्णय की ओर बढ़ने का रूप कैसे बनता है, ध्यान से। पहले कहाँ बोध क्रिया का कर्ता, अब विचार से कहाँ पहुंचे कि वो बोध क्रिया रूप, बोध क्रिया की शक्ति का आश्रय है। ये आपको पकड़ में आता है? कर्ता और आश्रय का भेद कुछ लगता है? आश्रय आवश्यक नहीं कि कर्ता हो, लेकिन जो कर्ता होगा वो आश्रय अवश्य होगा, बना। माने जैसे घट आश्रय है लालिमा का और रूप का, तो घट उस लालिमा का कर्ता नहीं है। आश्रय होना जरूरी नहीं है कि आश्रय कर्ता हो, लेकिन अगर तो कोई कर्ता है तो वह तत्क्रिया शक्ति का आश्रय स्वयं जरूर है। अगर उसमें वो शक्ति विद्यमान नहीं है तो वो कर्ता नहीं बन सकता। तो कर्तृत्व को पकड़ करके भगवान भाष्यकार
आत्मा को द्रव्य रूप से तो निश्चय करते हैं कि द्रव्य रूपम। अगर आप कर्ता कहते हो तो आप ध्यान रखो कि आप क्या कह रहे हो। आप ये कहना चाहते हो कि आत्मा द्रव्य है तो बोध स्वरूप नहीं है। बोले वो तो हमारा सिद्धांत है, हमारे यहाँ तो नौ द्रव्य हैं, उसमें आत्मा को भी हम द्रव्य बोलते हैं और नित्य द्रव्य है, तो मन को भी हम द्रव्य बोलते हैं। चित्त जो है वो द्रव्य है और वो अनेक गुणों का वृत्तियों का आश्रय बनता है। तो गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, ये तुम्हारी परिभाषा है। भेद केवल इतना हो सकता है कि वो द्रव्य नित्य हैं या नहीं है, बस। तो बोले अच्छा, तो बोले आपको आपत्ति क्या है, मैं तो बोल रहा हूं कि वो द्रव्य रूप है, तो आपको इसमें दोष क्या दिखता है। भाष्यकार देखो कैसे उसको ले जाते हैं, इस विचारक को गलती दिखानी है कि तुम कहां गलती कर गए। इसको बिल्कुल ही देहाती भाषा में बोले तो हांक के ले जाते हैं उसको जैसे हांका जाता है वैसे बोल, छोटे छोटे वाक्य यथा बोलते हैं बोधस्तु जायते विनश्यति, ऐसी बात कहते हैं जिसको मानना ही पड़े। बोधस्तु जायते विनश्यति, बोध तो जन्म लेता है और नष्ट होता है। बोले हाँ होता है, तो यदा बोधो जायते तदा बोध क्रियया सह विशेषः, जब बोध जन्म लेता है बोध होता है तब आत्मा बोधक क्रिया विशिष्ट होता है। बोले हाँ नेचुरली जब बोध क्रिया होगी तब आप बोध क्रिया विशिष्ट होंगे। यदा कैसा प्रसन्न गंभीर भाष्य है, एकदम सरल है, आप आनंद गिरि जी को पढ़ो तो कठिन हो जाएगी। ऐसा है भाषा में जो लालित्य है, सरलता है, वो दोनों एक साथ है, साथ में गंभीरता है। क्या बोलते हैं, यदा बोध हो जायते तदा बोध क्रिया सह विशेषः, तो आत्मा जो है फिर बोध क्रिया विशिष्ट हो गया। अच्छा, यदा बोधो नश्यति तदा नष्ट बोधो द्रव्य मात्रम निर्विशेष। तो बोले बोध कोई ऐसा गुण तो है नहीं है जो नित्य रहे। अब देखो गुण पर उंगली रखी है कि बोध कोई ऐसी क्रिया नहीं है, बोध कोई ऐसा गुण नहीं है जो नित्य होवे। मैं थोड़ा विपरीत दृष्टांत दे दूं तो समझ में आएगा। जैसे गंध गुण पृथ्वी में कभी होती है कभी नहीं होती, ऐसा नहीं होता, नित्य निवासी है बना। ऐसे बोध नाम का जो गुण है वो चूंकि वो क्रिया रूप है तो वो ऐसा तो संबंध नहीं है कि जब जब आत्मा होगा तब तब बोध होगा, जहां जहां आत्मा होगा वहां वहां बोध होगा, ऐसा तो कोई व्याप्ति नहीं है। पृथ्वी में व्याप्ति है, जहां जहां पृथ्वी होगी हाँ गंध होगी, उल्टा भी कर सकते हो, जहां जहां गंध होगी वहां पृथ्वी अवश्य होगी, पृथ्वी का अनुमान ऐसे कर सकते हैं। जहां जहां रूप होगा वहां वहां अग्नि तत्व होगा, ऐसा अनुमान होता है, क्यों का नित्य साहचर्य है। लेकिन यहां स्थिति तो ऐसी नहीं है, बोधो तु जायते नश्यति, हो
देखो कैसे उन्होंने इसको दिखाया है। बोधो तो जायते नश्यति, यदा बोधो जायते तदा बोधक क्रियया सह विशेषः, यदा बोधो नश्यति तदा नष्ट बोधो द्रव्य मात्रम निर्विशेषः। तो आत्मा की एक ऐसी स्थिति माननी पड़ेगी कि जब वो निर्विशेष हो और द्रव्य मात्र हो। बोले हाँ ठीक है, ऐसा तो मानते ही। तत्र एवं सति, तो फिर ऐसा होने पर विक्रियात्मक, सुनो निर्णय क्या निकलेगा, सुनो ध्यान से, तुमने इतना तो मान लिया, अब इस मान्यता से जो निर्णय निकलता है वो पकड़ो। तत्रैवं सति विक्रियात्मक, तो आत्मा फिर विक्रियात्मक होगा, उसमें क्रिया हो रही है। कोई ऐसा कर्ता बताओ जो क्रिया विक्रियात्मक ना हो, है? कर्ता होगा तो उसमें विक्रिया होनी ही है, कर्म होगा तो कर्म होगा ही तब जब वो विक्रिया हो उसमें। बल्कि सच्चाई तो यहां तक है कि कर्तृत्व तो स्वयं ही एक विकार है। ये कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है, कभी सुप्त होता है, कभी जागृत होता है, कभी प्रबल होता है ये। और वही कर्ता उद्विग्न भी होता है कर्म में अगर बाधा पड़े तो अगर आप तो कर्ता मानोगे तो विक्रियात्मक ये तो मानना पड़ेगा। दूसरा शक्ति तत्व उसमें अगर आप मानते हो तो सावयव हुआ वो आत्मा, निरवयव तो नहीं हुआ। सावयव का अर्थ क्या होता है? अवयव सहित। अवयव माने क्या? जैसे शरीर में अवयव है तो ऐसा ही अवयव तो फिर आत्मा में नहीं होता ना, फिर सावयव क्यों बोल रहे हैं? यहां कौन सा अवयव है उसके पास? क्रिया शक्ति। हाँ, क्रिया शक्ति ही अवयव है। अवयव का अर्थ केवल ये ऐसा आंखों से भासने वाला रूप माने अंग नहीं होता। देखो हम वायु को सावयव बोलते हैं वेदांत में, क्यों? क्योंकि वायु में विभाग दिखाई देता है। वायु में तरलता दिखाई देती है, घनता दिखाई देती है, सघन वायु, विरल वायु है। अब ये नेत्र से भले न भासती हो लेकिन जानने वाले लोग जानते हैं। हल्की वायु और भारी वायु, देखो ये जानने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि ताप से वायु हल्की होकर के ऊपर उठती है और फिर उसकी जगह लेने के लिए जो ठंडी वायु है वो भारी है वो नीचे आती है। तो चूंकि उसमें इस प्रकार का विविध चरित्र है, करैक्टरिस्टिक है, एक ही वायु में क्या हुआ, भेद हो गया ना, और इस भेद के कारण उसको हम बोलेंगे सावयव। इट हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड वन इज अदर देन अदर पार्ट। आंधी चलती है तो उसको मेजर किया जा सकता है कि उसकी स्पीड क्या है और वो कहाँ तक पहुंची है। लो अब वैसे तो वायु सब जगह है
लेकिन फिर एक आंधी है जो इस जगह वाली वायु से भिन्न है, जो अभी आ रही है, अभी यहाँ नहीं पहुंची है। देखो तो हिस्से हो गए कि नहीं हो गए। तो अवयव शब्द को सावधानी से समझना चाहिए। ये जो स्थूल बुद्धि के लोग होते हैं ना, अवयव माने केवल अवयव समझते तभी हैं जब उसमें रूप रंग दिख जाए। हमारे वेदांतों में परमार्थता माने अगर बहुत ध्यान से विश्लेषण किया जाए तो इवन आकाश में अवयव मान लेते हैं हम। आपको मालूम है बाकी भूतों की अपेक्षा आकाश निरवयव हो, लेकिन अन्यथा यहाँ वहाँ का जो विभाग है, चूंकि आकाश में यह संभव हो रहा है, पकड़ में आया, तो इसलिए ये भी हमारे मत में तो सावयव है। ये तो जब हम आकाश को निरवयव बोलते हैं तो उसका अभिप्राय है चार भूतों की अपेक्षा से वो निरवयव है। हाँ, निरंश है वो, इतनी बात हम जरूर मानते हैं। अंशाह न विद्यन्ते आकाशे, कोई टुकड़ा कोई है ना, कोई अंश ऐसा दिखता नहीं है। बहरहाल इन शब्दों को, ये दर्शन के शब्द हैं, तो प्राचीन काल में जितने भी दार्शनिक हुए वो सब इन शब्दों का एक ही अर्थ समझते थे। इसलिए उनके सामने जब कहा गया सावयव है तो वो भी समझ गए और बोलने वाला भी समझता है। तो हमको तो उसको साफ रखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? विक्रियात्मक सावयव है और इसीलिए अनित्य। देखो एक सिद्धांत वेदांत का ऐसा निर्णय, ऐसा निर्णीत हुआ, निर्धारित हुआ कि जो वस्तु सावयव होती है वो अनित्य होती है। क्यों? अवयव का उपचय अपचय अवश्य होता है। जो अवयव है उसमें वृद्धि भी होती है, उसमें क्षरण भी होता है। अवयवी अगर अवयवों के साथ है, जैसे आप और आपका शरीर, तो अवयव में उपचय अपचय अवश्य होगा। इसी को बोलते हैं विकार, और वह विकार का अंतिम विकार है विनाश। जैसे अस्थि जायते, उस क्रम से चलें तो अंततः विनश्यति। वेदांत का ऐसा निर्णय है इस विषय में कि जो विकारी है वो नश्य है, विनाश्य है। यह बात सांख्य ने नहीं मानी। हाँ, उन्होंने एक विकारी नृत्य कहा, विकारी नित्य। प्रकृति विकारी है लेकिन नित्य है। कभी प्रसंग आएगा तो हम इस पर मीमांसा करेंगे। ये वेदांत बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। स्वीकार नहीं करता मतलब आप अपना मत लेके अपने घर बैठो, हम अपना मत लेके अपना घर बैठे, वो नहीं होता दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र में ये है कि भाई जब हम दोनों लोग एक ही विषय में दो मत रखते हैं और वो विषय तत्व का है, तो तत्व तो एक है, मत दो कैसे हो सकते हैं? तो आओ बात करके दोनों में से दोनों को मिटा के एक करें। पहले बोलता है बोधक क्रिया का कर्ता,
फिर क्या बोलने लगा, बोधक क्रिया का आश्रय। आश्रय से यह सिद्ध हो गया कि वह द्रव्य है, द्रव्य है तो उसमें एक गुण भी होना चाहिए। तो क्या गुण है? बोध की क्रिया की जो शक्ति है वह उसका गुण है। तो भाष्यकार बोलते हैं, ये तुम समझ रहे हो क्या कह रहे हो, क्या दिक्कत है? बोले वो अगर तुम बोध उसमें मानते हो, बोध एक क्रिया है, एक गुण है, तो बोध तो जाता है और बोध तो आता है। तो बोलता है हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोध आता भी है और बोध, यदा बोध हो जायते तदा बोधा सह विशेष, जब बोध होता है तो वह विशेष युक्त होता है, यदा बोधो नश्यति तदा नष्ट बोधो द्रव्य मात्रम निर्विशेष, तो वह निर्विशेष रहता है। तो भाष्यकार बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो उसमें विक्रिया है। बोले हाँ है, यदि विक्रिया है तो वह फिर सावयव होगा। सावयव मतलब उसमें तरतम का भेद उत्पन्न होगा। जैसे अभी स्वामी जी ने क्या बोला, कर्तृत्व भी एक विकार है। कर्तृत्व एक विकार है मतलब क्या हुआ, इस पंक्ति को खोलिए भाई। कर्तृत्व कभी ज्यादा होता है और कभी कर्तृत्व, तो ये भी तो कर्तृत्व में क्या विकार मतलब क्या हुआ, कभी ज्यादा होना कभी कम होना, और कभी कभी कुछ नहीं रहता, कभी बड़ा चढ़ा रहता है आदमी। इसी तरह से इसी को सावयव कहते हैं। सावयव मतलब क्या हुआ, उसमें यह भेद होना, अंतरतम का क्या होना। हम सावयव मतलब यही समझते हैं पार्टिकल, उसमें भेद होना। तो फिर वह उसमें भेद हो जाएगा यदि क्रिया होगी, और जब भेद हो जाएगी और अगर उसमें अवयव होगा तो फिर तो वह अनित्य होगा, क्योंकि कोई भी क्रिया तो अंत, आपने तत्वबोध पढ़ा, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमति विनक्षति विनश्यति इति। उसका जो आखिरी स्टेप क्या था, वो था विनश्यति। तो इसका तो नाश हो जाएगा, और नाश हो जाएगा तो ये क्या हैगा, अनित्य हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इत्यादि दोषों न परिहर्तुम शक्य है, इनका क्या करोगे बच्चू, ये सब अनित्य हो जाएंगे तो अब क्या करोगे? किसे कह रहे हैं ये? अगर तुमने बोध क्रिया का गुण माना तो गुण मानने से ये सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तति सति, मिल गया। जैसे ही तुम ये मानोगे तो ये सब आ जाएंगे, विक्रिया आ जाएगी, सावयव आ जाएगा, अनित्य हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या करोगे इसका, आत्मा का? तेरे कहता अभी बताता हूँ इसका, इसका हल मैं बताता हूँ जो आप कह रहे हैं। तो आगे बताएगा उसका हल, और आगे ये जो हल है ये चला जाएगा वैशेषिक दर्शन में, प्रवेश कर जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों की? नहीं आ रहा है? नहीं आता तो भी ठीक है, क्या करना है, क्या करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।